आपने काम किया, सड़कें बनवा दी, बिजली दे दी, सब कुछ कर दिया, परंतु फिर भी यही सोचा जाता है कि हरियाणा का मतलब ये है कि लड़कियां वहाँ कम, लड़के ज़्यादा, लड़कियों की पढ़ाई कम। ये सत्य बात है नहीं, पढ़ाई में तो हम काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं लड़कियों के में, लेकिन ये सत्य बात है लिंग अनुपात में हरियाणा 830 है, 1000 लड़कों के मुकाबले में 830 है, वो बहुत कम है, नेशनल एवरेज से कम, नेशनल लेवल से काफ़ी कम है। और लेकिन पिछले 6-7 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, 2001 में जो सेंसस हुआ था, अब जो सेंसस हुआ है उसमें 11 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपके ऊपर चार्ज लगा सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने खड़े किए लोगों के लिए, ज़मीन एक्वायर की, वो पॉलिसी आपने बंद कर दी, दबाव में आकर लोगों ने कहा कि अमीरों की पॉलिसी है, हुडा साहब ज़मीन सस्ती लेके अमीरों को बेचे जा रहे हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ी। नहीं ऐसा नहीं है, हमने कोई पॉलिसी नहीं बदली, और आपने इम्प्रूव किया। नहीं नहीं, वो एक्विजिशन पॉलिसी डिफरेंट है, सेल्स की बात कही आपने, मेरे समय में एक भी एकड़ अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने एक्वायर करके सेल्स के लिए किसी को दी है, तो मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हुडा जी आप कह रहे हैं मैंने कंप्रोमाइज कुछ नहीं किया, ये तो सच्ची बात लगती है मेरे को। ये तो आपने मंत्री, अपने मंत्री आपको बनाने की परमिशन तो मिलती नहीं, कई बार सरकार यहाँ पूछना पड़ता है आपको दिल्ली में। नहीं देखो, जो पार्टी के जो मंत्री बनाने हैं वो तो कांग्रेस हाई कमांड से मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, आफ्टर पार्टी अनुशासन में चलती है, हमारी कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है, बाकी जो इंडिपेंडेंट्स हैं या वो हैं वो जो जिसने हमारे इंडिपेंडेंट भी हमारे मंत्री हैं। विभागों का बंटवारा भी तो उसी हिसाब से किया होगा ना कि इंडिपेंडेंट मंत्री ने कहा कि मेरे को ये बंटवारा कर दे, विभाग देंगे, उसके लिए तो हाई कमांड नहीं आती। आई मस्ट बी फेयर टू देम, किसी ने मेरे को इंसिस्ट नहीं किया, वो इस बात को समझते थे कि भाई हरियाणा का हित और लोगों का हित इसी में है कि कांग्रेस की सरकार बने। तो आप ये जो एक तरफ कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए इतना सारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑनर किलिंग जो हो रही है लड़कियों की, उसके लिए जो शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से उसके खिलाफ आप कहते हैं कि सरकार लॉ नहीं बनाए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लॉ नहीं बना, लॉ तो बने हुए हैं। कोई भी ऑनर किलिंग होती है या कोई भी मर्डर होता है 302 में उसको सजा मिलती है, और हरियाणा पहला स्टेट है जिसने 5 आदमियों को डेथ दिलवाई है, मतलब हम स्टेट ने प्रोसिक्यूट किया उनको। तो आपका विरोध किसके प्रति है कि गांव को सजा नहीं मिलनी चाहिए, व्यक्ति को सजा मिलनी? हाँ, व्यक्ति को, जो जो करता है या इंस्टिगेट करता है या जो ऐसा घिनौना काम करता है उसको करना चाहिए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मैंने देखा कि आप भी क्रिकेट के धुन में बह गए। स्पोर्ट्स पर्सन खेल से नहीं, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, चाहे बॉक्सिंग का है, चाहे हॉकी का है, जो ओलंपिक से ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आए या बॉक्सिंग उसमें लेके आए, उनसे ज्यादा पैसा नहीं देंगे ना इनको? आप उचित सम्मान देंगे, उचित उनसे ज्यादा तो नहीं देंगे, उचित सम्मान देंगे हम तो। उनको उचित नहीं दिया था क्या? उनको भी उचित दिया था, उचित इनको भी देंगे। आजकल का जो माहौल बना हुआ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना सारा आंदोलन चल रहा है, अपने जहाँ पर बैठ के जनपद के ऊपर बैठ करके अन्ना हजारे जी तंग कर रहे हैं, तो आपको पार्टी को बड़ी तकलीफ तो होती होगी उससे? पार्टी को तकलीफ, पार्टी तो खुद कहती है भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। नहीं, बंद तो होता है, पर जो लॉ तो नहीं बनना, लोकपाल बिल जिसमें चीफ मिनिस्टर भी आ जाए, मुख्यमंत्री तो आप नहीं, लोकपाल है हमने बनाया हुआ है, हमने लोकपाल नियुक्त किया हुआ है, उसमें चीफ मिनिस्टर भी आता है। ये सेंटर में जो हो रहा है उसका असर आपकी कांग्रेस पार्टी में डिमोरलाइज नहीं होते आप लोग? नहीं, मतलब देखो पिछले 3-4 महीने में जो हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने ही एक्शन लिया है। आपके सामने यहाँ मिनिस्टर भी हटे हैं, सब कुछ हटे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, केस भी रजिस्टर हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी भी हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी इस बात का सचेत है। हुडा साहब का सपना क्या है? मेरा सपना देखो जी दो हैं, एक तो अपने हरियाणा को एजुकेशन हब बनाना है, और एक जो आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है।